नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। एक ऐसी फिल्म जिसने कि बॉलीवुड को हिला रखा है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हिला रखा है, पूरे देश में उसकी चर्चा है, जो कि है नेपाली फिल्म, इंडो नेपाली फिल्म, पहली फिल्म है दोस्तों बहुत बड़ी, जिसका नाम है प्रेम गीत। और इस वक्त मेरे साथ ये जो हैंडसम ड्यूड बैठे हुए हैं, ये इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, संतोष सेन का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप? मेरे को एक सेकंड बोलना है, कस्त्रो मानियो? नहीं नहीं, कस्तो छ? कस्तो छ सर? बहुत बढ़िया। आपको भी ढेर सारे धन्यवाद, दर्शकों के भी नमस्कार जी। कुछ बोल रहे थे संतोष? नहीं नहीं, आप बोलिए। संतोष जी, आपका ये जो विजन था, मुझे जानना है सबसे पहले कि इसको आपने एंशिएंट एरा ही क्यों चुना, और इसमें इतना तामझाम है, कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, बैकग्राउंड है, लोकेशन है, व्हाई दिस काइंड ऑफ, क्योंकि आजकल तो ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, तो ये क्यों? ऐसा था, वो मेरा भैया था चेतन गुरुंग, जो गुजर चुका है, वो मेरा, हम दोनों मिल के इसको डायरेक्ट किया था। जब मेरा पिछले फिल्म मेरी मामू करके था एक, वो चाइल्ड साइकोलॉजी का, उस टाइम में उन्होंने एक आइडिया सुनाई थी मुझे। उन्होंने बोला था मैं ये 5-10 साल के बाद ऐसा आइडिया पे फिल्म बनाना है, हिमालय का सेटअप में एक पीरियड ड्रामा, लव स्टोरी। फिर मेरा दिमाग हिल गया, फिर मैं घर गया, जब बैठा वही स्टोरी मेरा दिमाग में घूम रहा है। फिर मैं सुबह मिलके भैया इसको अभी बनाते हैं, शुरू करते हैं, जहाँ तक पहुँचते, लेकिन अभी शुरू करना है जी। ये 5 साल वेट नहीं करने का, अभी शुरू करना है। ऐसा हो के हमने वो स्टोरी, मैंने वो फाइनल किया था, वो आइडिया ने मेरा वो दिल में छुआ, तब स्टार्ट हो गया है। संतोष जी, मुझे यहाँ पर जानना है आपसे, इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब मैस्मराइजिंग है, बट पहले मुझे लगा वो VFX है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन क्या वो रियलिटी है या VFX है? ये पूरा रियल लोकेशन है। हमने वो बहुत चैलेंज था उधर शूट करने के लिए, जब हमने उस टाइम पे जब तो विंटर में जब शूट करने के लिए हमारा 150 लोग ऊपर गया था वो हिमालय में, उधर का आदमी जो ठंडी के वजह से वो नीचे जा रहा था, सब गाँव खाली करके वो ठंडी से बचने के लिए वो नीचे जा रहा था, हाँ, लेकिन हमारा 150 आदमी उधर गांव में पहुंच गया जी। फिर चैलेंज था, लेकिन हमें चाहिए था जी। वो लोकेशन रियल में चाहिए था, VFX हम कर नहीं सकते क्योंकि बजट नहीं है हमारे पास। कितना भी तकलीफ हो, उसको रियल उधर स्नोफॉल में वो ठंडी में शूट करना है। फिर हमने एक दिन में हमने खाली 3 घंटे काम होता था उधर, क्योंकि वो धूप तो चला जाता था जल्दी जी। फिर स्नो गिरता था तब बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन हमने 2 शिफ्ट करके उसको ख़त्म किया। वेरी नाइस। संतोष जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग है ना हमसे थोड़ा सा बातें छुपा रहे हैं। पूछिए कैसे? हमको पता चली है कि फिल्म का बजट 3 करोड़ है, लेकिन इसका बजट, इसका कॉस्ट्यूम, इसका एक्टर, मतलब वो जो देख कर इतना ग्रैंड लग रहा है, इतना ग्रैंडियोर लग रहा है, एग्जैक्ट बजट इसका कितना बैठ रहा है, क्या आप जनता को बताना चाहेंगे? 3 करोड़ तो ऐसा है, 3 करोड़ हमने मेकिंग में खर्च किया है, लेकिन जैसे कि मैं शेयर पे हूँ, जैसे कि हमने इक्विपमेंट और लिया है वो शेयर पे, जो हमारा टीम है, जो मेन जो टीम है वो सब शेयर में है, इसीलिए हमारा कम बजट है। हम अभी वो अच्छा करना है, वो पैसा लेके हमने वो ड्यूटी करना नहीं है, अच्छा फिल्म बनाना है, इसीलिए वो डायरेक्टर एक्टर सब जो मेन जो इधर इसका वो डायरेक्टर लोग है, सब एक्शन डायरेक्टर, जैसे कि ये सब ने वो शेयर बेसिस में काम किया है, इसीलिए वो बजट कॉम में हमने बड़ा फिल्म बनाया है। संतोष जी बहुत सही दिमाग लगाया, एकदम बहुत सही। अच्छा संतोष जी, प्रदीप भाई ही क्यों और क्रिस्टीना ही क्यों, मतलब इस फिल्म के लिए कोई और क्या सुपरस्टार या कोई और नाम? क्रिस्टीना तो अभी जस्ट बहुत नहीं है, सो वाई क्रिस्टीना और वाई प्रदीप? प्रदीप वो जो जगह है, जब 200 साल पहले उधर हमारा छोटा छोटा राज्य था जी। नेपाल में वो 22 से 24 से वो छोटा छोटा राज्य था, एक राज्य में वो आर्यन
जाके वो कब्जा किया था, जैसे कि वो आर्यन लुक है ना हमारा प्रदीप का, फिर हमारा वो क्रिस्टीना का थोड़ा मंगोलियन लुक है, उधर का वो स्थानीय वासी है वो, और प्रदीप तो वो फिक्स हो गया है, जब मुझे ऐसा वो लुक चाहिए था वो हमारे पास ही है, जो प्रेम गीत 2 में भी वही है, 1 में भी वही है, उसको लेने से वो मैच हो गया, बन गया। लेकिन वो जब हीरोइन हमने सोचा, और जब उधर लोकल लुक दिखना चाहिए, इनोसेंट, थोड़ा कम बोलने वाली, वो प्यारा सा, फिर हमने फिर ऑडिशन किया हमने, ऑडिशन करके 2700 लड़की में एक चुना, वही क्रिस्टीना गुरु ने। वाओ वाओ। अच्छा, क्या आपको पता है कि इंडिया में, हिंदुस्तान में इस फिल्म को बाहुबली से कंपेयर किया जा रहा है? जी हाँ, बाहुबली, जो कि इतनी ग्रैंड फिल्म है और इंडिया की शान जिसे कहते हैं, उसके साथ कंपैरिजन कैसा लगता है? मतलब कि आपने भी सुना होगा, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया आप भी देखते हैं और आप भी समझते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा, व्हाट यू वांट टू से? वो बाहुबली से कंपेयर हो गया तो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा छोटा, हमने तो छोटा सोचते हैं ना उधर, लेकिन वो जब फिल्म देखते हैं तो छोटा नहीं लगती है, लेकिन बाहुबली जैसे KGF से कंपेयर होता है तो हमारा फिल्म वो बहुत मुझे प्राउड फील होता है, क्योंकि ऑडियंस वो नज़र से भी देख रहा है, इधर राज्य का है वो, राजकुमार ऐसा, वो राजयोग ऐसा है ना, इसीलिए भी सोचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो फ्रेश है स्टोरी, और टिपिकल लव स्टोरी है, इसमें वार है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो त्याग है, बहुत प्यारा सा है स्टोरी, लेकिन जब बाहुबली से कंपेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Okay. अच्छा, आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे जो बॉलीवुड हैं, बॉलीवुड में बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, जैसे शाहरुख सर हैं, सलमान सर हैं, आमिर सर हैं, तो शाहरुख सर की अगर बात करें, उनकी 3 बड़ी फिल्में आ रही है, पठान, जवान, डंकी, आई होप आपने उसके ट्रेलर और टीज़र भी देख लिए होंगे, तीनों खानों में से कौन से बेस्ट आपको, मतलब जिसका, मतलब कहते हैं कि आप दीवाने हैं जिनके, और उनके काम को वो इंस्पिरेशनली देखते रहते हैं? ये वो नहीं है, लेकिन मुझे बॉलीवुड फिल्म बहुत पसंद है, उधर बहुत देखता हूँ मैं, नेपाली से ज़्यादा देखता हूँ तो बॉलीवुड फिल्म ही देखता हूँ, फिर तीनों लोग वो मुझे पसंद है। Okay. बहुत अच्छा लगता है। कोई फेवरेट फिल्म आपकी? मेरा फेवरेट फिल्म 3 Idiots। हाँ जी जी। कितना इंस्पायर्ड होते हैं आप? संजय लीला भंसाली सर, राजकुमार ईरानी सर, और साउथ का भी कुछ डायरेक्टर है, उन लोगों का बहुत अच्छा लगता है, उनका कैनवास बड़ा होता है, अगर मेरा भी बजट हो तो वैसा कैनवास में काम करने का मेरा भी इच्छा है। इस फिल्म को आपने इंडो नेपाली ही क्यों चुना? इस फिल्म को सिर्फ नेपाल में ही, मतलब तक सीमित ना रखा और बढ़ा दिया इंडिया की तरफ, ऐसा क्यों? ऐसा हो गया है, वो जो हमने शूट ख़त्म किया है तब से हमारा मन में क्या है, सब हम इधर इंडिया का सब चैनल देखते हैं, इंडिया का जी, सोनी, सब चैनल में हम हिंदी फिल्म देखते हैं, तो हमारा फिल्म भी ये जी में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं, साउथ का कितना छोटा छोटा फिल्म भी आते हैं, लेकिन हमारा क्यों नहीं आते, फिर हम एक बार ट्राई करना तो चाहिए, एक बार मुंबई जाते हैं, एक बार देखते हैं कैसे लगता है, फिर हम उधर से चले आए, फिर इधर आते ही वो हमारा जो 26 मिनट का हमने शोरील बनाया था जी। फिर इधर का हमारा प्रोड्यूसर है इधर, वो जो हमारा जब पहले हम गया, मुरली सर, उन्होंने वो फिल्म का स्टोरी, वो मेकिंग पसंद किया, फिर हम रियल्टर्स आए, रियल्टर्स सुभाष सर ने भी इसको बहुत पसंद किया, फिर इधर का टेक्नीशियन, बड़ा बड़ा टेक्नीशियन जुट गया, फिर दोनों मिलके इंडो नेपाली करके हो गया है। ओके ओके। सर, एक डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे बस आपसे प्रोसेस जाननी है, अभी कल तक तो इस पर नहीं था बुक माई शो पे भी इसके टिकट अवेलेबल नहीं थे, बट अब हो चुके हैं, किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है, और प्लस सिनेमा घर कितने कैप्चर करके रखे हैं? इसमें डिटेल्स मुझे तो पता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड 15 स्क्रीन से ज़्यादा, 1500 स्क्रीन से ज़्यादा वो मुझे पता था पिछले वीक, लेकिन यहाँ का वो सब हमारा सुभाष काले सर को पता है। अच्छा, उन्होंने सब मैनेजमेंट किया है। हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है फिल्म के लिए, और जानना चाहता हूँ कि आपको फर्स्ट डे रिपोर्ट कितनी इफ़ेक्ट करती है?
मुझे तो जब बुकिंग खुलेगा वही दिन से वो इफेक्ट आपको कैसे सुन रहे, क्योंकि नेपाल में बुकिंग शुरू हो चुकी है, मुझे काफ़ी लोगों ने नेपाल से बताई है। नेपाल में तो बहुत अच्छा रहा, अभी बुकिंग भी बहुत हाउसफुल हो गया है पहले ही, लेकिन इधर मुझे तो लगता है इंडिया में भी बहुत वो ऑडियंस क्यूरियसिटी है कब बुकिंग खुलेगा। इधर का हमारा वो जो नेपाली भाषी है वो लोग भी बहुत वो ग्रुप बन के बैठा है कब बुकिंग खुलेगा, कहाँ चलेगा वो टिकट खरीदने के लिए, वो देखना चाहता हूँ कब वो रेस्पॉन्स देखना है और वो दर्शकों का माया देखना है, प्यार देखना है। चलते चलते एक आखिरी मैसेज, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, एक आखिरी मैसेज नेपाली में प्लीज़ ऑडियंस को दीजिए। नमस्ते सबैजनालाई, ने इंडिया में हमी सब ठाउँमा गइसकेका छौं, नेपाली भाषी नेपाली गोर्खाली बस्ने ठाउँमा, अब चाहिँ पर्सिदेखि चाहिँ फिल्म लाग्दैछ 23 गते सेप्टेम्बर 23, अनि हजुरको सबैजनाले अब बुकिङ खुल्दैछ, टिकट काटेर सोसल मिडियामा ट्याग गर्नु होला, अनि फिल्म चाहिँ जरुर हेर्नु होला, हेर्नु होला, पहिलो दिन दोस्रो दिन नै हाउसफुल हुनुपर्छ है। नमस्ते, थ्याङ्क यू। ये समझ गया मैं लास्ट का। थैंक यू सो मच संतोष जी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपकी फिल्म धमाल मचाए ना सिर्फ नेपाल में बल्कि इंडिया में, ताकि एक नया आयाम खुले जहाँ पे फिल्में जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।